जब तुम्हारे होने के बाद भी तुम्हारा इंसान किसी और को चुनता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम तीसरे हो, वो नहीं। मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील होने लगा था, ऐसे लगने लगा था जैसे मैं कोई नहीं हूँ, जिस कहानी का मैं हिस्सा थी उस कहानी को अब मैं बाहर से बस पढ़ रही हूँ। वो लोग भी शायद अपना अकेलापन ही मिटा रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि मैं भी तो अकेली हूँ। दोस्ती, अब दोस्ती की कोई सीधी डेफिनेशन नहीं होती, ना ही कोई टेढ़ी मेढ़ी सी कहानी होती है, क्योंकि जो दोस्त है वो हमेशा तुम्हें आज़ाद करता है। दोस्ती में थोड़ी ना बेईमानी होती है। और किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे दोस्त जो दोस्ती निभाना जानते हैं। अब निभाना और करना तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। दोस्ती तुम हर शख्स से कर सकते हो, लेकिन निभाया बस उसी से जाता है जो रिश्ता निभाता है, फर्ज नहीं। अब इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, सबको पता है कि मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एकदम खास, एकदम प्यारे। हमारी दोस्ती ऐसी थी कि सबको लगता था एक ऐसा दोस्त तो मैं भी डिजर्व करती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत थी यार। अब वो दोनों ना एक दूसरे को नहीं जानते थे, और मैं उन दोनों को ना अलग अलग तरीके से जानती थी। जैसे एक झल्ली थी बिल्कुल मेरी तरह, और एक सेंटी, वो भी मेरी तरह, एक डिल्यूजन में रहने वाली और दुनिया को अपनी औकात बताने वाली, एक सपने दिखाने वाली और एक सही गलत बताने वाली। मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में ना अलग अलग तरह के लोग होते हैं, एक जिनके साथ तुम हंसते हो और एक जिनके साथ तुम रोते हो, और ये दोनों लोग तुम्हारी ज़िंदगी में इक्वली मायने रखते हैं। अब 2021 में मेरा कॉलेज शुरू होने वाला था, और मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन थोड़ी सी नर्वस भी, क्योंकि नए शहर जा रही थी, नए लोगों से मिलने वाली थी। तो मैं पैकिंग करते करते ना हर रोज़ इन दोनों को कॉल करके अलग अलग से रैंट किया करती थी, जैसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हुआ तो, मुझे किसने पसंद नहीं किया तो, अरे मेरे दोस्त ही नहीं बने तो, यार इतना ही है तो तू भी चलना मेरे साथ। एक सेकेंड, ब्रिलियंट आइडिया, ब्रिलियंट मौका, मुझे नहीं पता कैसे, बट दे सेड यस। नाउ जस्ट इमेजिन लिविंग विद टू ऑफ योर बेस्टेस्ट फ्रेंड्स। अब फोन के सहारे नहीं जीना पड़ेगा, सीधा डोर नॉक करना पड़ेगा। अब खाना भिजवाना नहीं पड़ेगा, साथ बनाना पड़ेगा। अब बहुत देर याद करते हुए नहीं गुजरेंगे, यादें बनाते हुए गुजरेंगे। पार्टीज होंगी, वो भी हर रोज। तो मेरे आने के एक हफ्ते बाद ही ये दोनों आ गए थे। अब वो दोनों ने एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो मैंने उन दोनों की भी दोस्ती कराई। अब हम तीनों थे। शुरुआत का एक महीना तो बहुत प्यार से निकला, हमने घर सेट किया, सब कुछ अच्छे से सेट किया। शुरुआत में हमारी दोस्ती का रंग इतना गहरा था, लगता था जैसे सालों तक नहीं उतरेगा। लेकिन देखो, मूवीज ना हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो लाइफ है ना वो हैप्पी एंडिंग पे शुरू होती है। तो मेरी इस हैप्पी एंडिंग के बाद हुआ ऐसा था कि मेरे कॉलेज शुरू हो गए थे फुल फ्लेज, तो मैं कॉलेज असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप्स, परफॉर्मेंस राइटिंग के चक्कर में ना घर पर ज़्यादा वक्त होती नहीं थी, तो उस चक्कर में इन दोनों की अच्छी यारी दोस्ती होने लगी थी। अब देखो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे थोड़ा दुख होता था क्योंकि कभी कभी मैं नहीं होती थी ना उनके साथ वो मस्ती करने के लिए, आखिर में हम तीनों थे तो रूममेट्स। अब देखो, किसी तीसरे का आ जाना ना इश्क में हमेशा दरार लाता है, लेकिन दोस्ती में प्यार लाता है, ऐसा मुझे लगता था, क्योंकि लाया कुछ और ही। धीरे धीरे ना उनके इनसाइड जोक्स बनने शुरू हो गए थे जो मैं समझ नहीं पा रही थी। वो समझाते तो थे और फिर किसी और चीज़ पर हंसने लग जाते थे, और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इसके अलावा ना हमारे घर के ना कुछ ट्रेडिशंस हुआ करते थे बॉन्डिंग के लिए। हम ना सैटरडे को कैरियोके नाइट करते थे, जिसमें मेरी एक फ्रेंड को ना यूकेलेले बजाना आता था, सो शी यूज्ड टू प्ले एंड वी ऑल यूज्ड टू जैम। हमारा फेवरेट सॉन्ग था बारिशें। वीकेंड्स पे ना हमारे घर पे कभी खाना नहीं बनता था। वीकेंड्स पे ना मेरे पास जितना भी वक्त होता था, मैं सारा वक्त उनके नाम करती थी। मुझे ना मेरे पापा ने एक चीज़ सिखाई है, जैसे देखो, अगर मुझे किसी ने साइकिल गिफ्ट करी है और अगर वो साइकिल की कीमत उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर कुछ सालों बाद उसके बदले में मैंने उन्हें एक ब्रांड न्यू कार भी दे दी ना अपनी हैसियत के हिसाब से, तो उस साइकिल की और उस कार की कीमत बराबर होगी। मुझे लगता था कि मेरे वक्त को भी ऐसे ही तोला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन हमारा सैटरडे नाइट प्लान था कि हम बाहर जाएंगे, पार्टी करेंगे, खाना खाएंगे और फिर घर आ जाएंगे। तो मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ गई। मैं घर पर आई तो मैंने देखा कि खाना फ्रिज में रखा हुआ था ऑलरेडी। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा,
तो मैं उनके पास गई, उनसे पूछा कि ये कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा कि वो बाहर गए थे, वो चिल कर रहे थे थोड़ा, तो मेरे लिए पैक करा के ले आए, उन्होंने कहा कि तू खा ले। मुझे बहुत खटकी वो चीज़, लेकिन मैंने ज़्यादा सीन क्रिएट नहीं किया, तो मैंने फ्रिज से खाना निकाला, मैं खा रही थी, और माइंड यू लाइफ में पहली बार पाव भाजी में स्वाद नहीं आया, ना तड़का अच्छा लगा ना मसाला पाव, क्योंकि स्वाद तो शायद मैं दोस्ती का ढूंढ रही थी। मुझे लगता था कि ये एक बार की बात है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें हर बार की जल्दी होने लगी। अब उनके अलग अलग ट्रेडिशंस बनने शुरू हो गए थे मेरे बिना, जैसे वो बाहर जा रहे हैं पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन मैं इंक्लूडेड नहीं हूँ। वो लोग रात भर जाग लिए, बॉय ड्रामा से लेकर चाइल्डहुड ट्रॉमा तक हर चीज़ के बारे में बात हो गई, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो लोग मूवी बिंज वॉच कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल दी, रात को सुबह होते हुए देख लिया, मैं वहीं हूँ साइड वाले कमरे में, लेकिन मैं नहीं हूँ। वो लोग मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने के लिए, इस बार तो पैक करके लाना भी भूल गए, शायद मुझे भी भूल गए। क्यों भूले? क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ, मुझसे क्यों नहीं पूछा जा रहा, मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी, तुम दोनों दोस्त कैसे हो सकते, मुझे अकेला लग रहा है, मेरी सुनो तो। ऐसा तो नहीं था कि मैं चाहती थी वहां ना होना, तो मैं क्यों नहीं हूँ? जब तुम्हारे होने के बाद भी तुम्हारा इंसान किसी और को चुनता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम तीसरे हो, वो नहीं। मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील होने लगा था, ऐसे लगने लगा था जैसे मैं कोई नहीं हूँ, जिस कहानी का मैं हिस्सा थी, उस कहानी को अब मैं बाहर से बस पढ़ रही हूँ। वो लोग भी शायद अपना अकेलापन ही मिटा रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि मैं भी तो अकेली हूँ। एक इंसान जो सही गलत बताता था और एक जमीन पे लाता था, वो दोनों साथ थे, तो मुझे कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत। तो एक दिन हमारा सैटरडे नाइट प्लान था कि हम बाहर जाएंगे, मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे। उस दिन वो फिर बाहर से खाकर आ गए थे, मेरे लिए नहीं लाए। तो मैंने सोचा कि मैं उनसे बात करूंगी, उनको बताऊंगी कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अकेला लग रहा है, तुम दोनों तो साथ हो ना, फिर क्यों अकेला लग रहा है। तो मैंने अपने दिमाग में ना बड़ी सी पिच क्रिएट कर ली थी कि मैं उनको ऐसा बोलूंगी, वैसा बोलूंगी, वैसा करेंगे। लेकिन जैसे ही वो घर आए ना, मैंने पता नहीं क्यों पैसिव अग्रेसिव वे में जोक करते हुए बोल दिया, तुम मेरे लिए पैक करके नहीं लेके कहाँ गए थे तुम दोनों। मेरे जोक को सुनकर ना वो दोनों चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों में इशारा कर रहे थे कि इसको कौन बोलेगा। उस कुछ सेकंड्स में ना मेरे दिमाग ने ना हर तरह का गलत सोच लिया था, छूट जाने वाला गलत भी और तोड़ देने वाला गलत भी। फिर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि पल्लवी एक बात बताएं, बुरा नहीं मानेगी? पता है जब कोई तुम्हें कहता है ना कि तुम बुरा नहीं मानेगी, उनको पता होता है कि तुम्हें बुरा लगने वाला है। तुमने कहा कि पल्लवी तुझे नहीं लगता तू इनसिक्योर हो रही है बिन मतलब के? हम तो तभी हैंग आउट करते हैं ना जब तू नहीं होती। मैं नहीं होती तो ठीक है, लेकिन जब मैं हूं उसका क्या? मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था, पता है बुरा लगता है जब दो लोग तुम्हारी वजह से मिलने के बाद तुमसे मिलना छोड़ देते हैं। फर्क पड़ता है जब दो लोग जिसको तुमसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता था, उन्हें तुमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता है मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि वो दोनों बदल गए, मुझे बुरा इस बात का लगा कि मैंने अपनी आंखों के सामने देखा उन दोनों को एक दूसरे को चुनते हुए, और मुझे नहीं। बुरा लगता है यार, जलन होती है जब कोई सबके साथ होता है लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं। उस वक्त मैं उनको कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि देखो इश्क ना तुम सिर्फ एक ही इंसान से कर सकते हो, लेकिन दोस्ती तो सबसे कर सकते हो ना। तो मैं कहती भी तो क्या कहती उनसे, मैं चुप रही। लेकिन आने वाले वक्त में मेरी इनसिक्योरिटी थ्योरी और बढ़ने लग गई, शायद उनकी दोस्ती से भी ज़्यादा। पता है हम दोनों में फ़र्क क्या था? उनके लिए हमेशा से मैं सब में से एक थी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो दोनों थे, मेरे सबसे प्यारे सबसे खास दोस्त। तो उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने घर छोड़ दिया और अब मैं अकेली रहती हूँ। पता है इन सबसे ना मैंने बस एक चीज़ सीखी है, पता है मुझे इनसिक्योरिटी क्यों हुई? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को हंसा रहे थे वैसे ही जैसे मैं उन्हें हंसा रही थी, वो दोनों एक दूसरे के लिए थे वैसे ही जैसे मैं हुआ करती थी। पता है ये इनसिक्योरिटी पजेसिवनेस की भसड़ में वो समझ नहीं पाए कि मैं खुद से लड़ रही थी बस उनके साथ रहने के लिए। पता है ये प्यार का कॉन्सेप्ट ना फ्लॉड है, प्यार ना चाहे किसी से भी हो सिर्फ प्यार नहीं होता, प्यार में गुस्सा होता है, जेलसी होती है, पजेसिवनेस होता है, और ये सब फील करना नॉर्मल है।
तो अगर कोई तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह से तुम्हें कमजोर कह रहा है ना, तो वो फुद्दू है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे कि तुमसे ज्यादा प्यार उनसे कोई और कर ही नहीं सकता। तो आज हम दोस्त हैं, लेकिन ये दोस्ती नहीं है। वो दोनों आज भी दोस्त हैं, शायद उनको देखकर आज लोग कहते होंगे कैसा दोस्त तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। लेकिन मैं ना समझ चुकी हूँ कि ये आधी अधूरी सी दोस्ती मैं डिजर्व नहीं करती। अब इस बात को ना 1 साल हो गया है। इस 1 साल में ना मैंने खुद को बहुत कोसा है, खुद को खोया है, दोस्त खोए हैं। अरे ये यूकेले लेना, ये वो यहीं छोड़ के चले गए थे, इसको मैंने 1 साल से हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई ना, ना कोई बजाने वाला था, ना कोई मेरे साथ गाने वाला, कभी हिम्मत ही नहीं हुई उसको उठाने की। तो मैंने ना एक चीज़ सीख ली है कि मुझे पता है कि मैं वो दोस्ती डिजर्व नहीं करती, लेकिन उस लम्हे में जो मेरी खुशी थी वो तो मैं डिजर्व करती हूँ ना। So today I'm going to sing a song that we sung last time, and that is Barishein. To tell myself that I deserve this, I deserve the love, not them. So please sing with me. I don't know how to play, so I don't think I deserve karte ho mera gana sunna, but here we go. Sun zara mere paas aa, ab baithe hain hum bhi yahan, dil ke darmiyan. बारिशे है बारिशे है तेरी ही बातों पे मैंने सजा ली है दुनिया यहाँ दिल के दरमिया। बारिशे है बारिशे। थैंक यू।